हेलो गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी के एक फ्रेश न्यू ब्लॉग में। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो गाइस अभी हम लोग आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइगर हिल से। तो वैसे एक्चुअल जो टाइम होता है टाइगर हिल वो आने का होता है सुबह, सनराइज़ होता है तब, क्योंकि जो सन की रेज होती है वो डायरेक्ट माउंट कंचनजंगा पे पड़ता है वो। हाँ, तो वहाँ ऐसा लगता है कि मतलब पूरा ऑरेंज कलर में एकदम बहुत ही शानदार लगता है। पर हम सुबह तो अभी 4:30 बजे इतनी कोल्ड में अभी विंटर्स में कौन आए। तो बहुत लोग आते हैं, वैसे हम लोग नहीं आए, मैं और शिवम। और अभी हम लोग आए टाइगर हिल पे, तो यहाँ से मैं आपको माउंट कंचनजंगा दिखाता हूँ। इतना ब्यूटीफुल शानदार है और 4 टेलीस्कोप है, उसमें 4 पॉइंट्स दिखाते हैं अलग अलग। माउंट कंचनजंगा, 4 धाम और वाटरफॉल और दार्जिलिंग का मतलब सिटी एरिया, तो दोनों का 50-50 करके चार्ज है, तो वो भी हम देखते हैं। और मैं आपको माउंटेन्स दिखाता हूँ, इतना शानदार, इतना क्लियर है एकदम टॉप से। गंगा बोलता है इसको, कंचनजंगा। हाँ, ये 3rd हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड का। अच्छा, और ये दार्जिलिंग का बैक साइड है। अच्छा, हम लोग अभी इधर से आया था। अच्छा, हाँ, और वो उधर का जो पहाड़ है ना, हाँ, वो दार्जिलिंग का सबसे ऊंचा जगह है, संदकफू बोलता है। अच्छा, ये सब सिक्किम पड़ता है। सिक्किम है पूरा? हाँ, ये सिक्किम का नामची बोलता है। नामची, हाँ। अच्छा, और आपका इसके पीछे इस साइड पे सब नेपाल है। नेपाल है उस साइड, जो पहाड़ है ना, हाँ, सब नेपाल पड़ रहा है। अच्छा, और आपका माउंट एवरेस्ट इसी साइड में था। मैं जब सुबह आया ना, ये क्लाउड्स कुछ भी नहीं था। अच्छा, अभी क्लाउड्स ग्रेजुअली, अभी जो दिन में ग्रेजुअली कवर्ड हो जाता है। अच्छा, बहुत ही बढ़िया व्यू। सनराइज इस तरफ से होता है, उस साइड से, इस साइड में। अच्छा, और यहाँ पर रिफ्लेक्शन पड़ता है ना, हाँ, तो लगेगा तो वो ऑरेंज कलर उस टाइप में, एज इफ इट्स ऑन फायर। हाँ, बहुत ही ब्यूटीफुल एकदम। माउंट कंचनजंगा स्ट्रेट आपको दिख रहा है एकदम हाईएस्ट पॉइंट। तो जूम करता हूँ, देखिए बहुत ही शानदार एकदम, एक नंबर। और कैसे यहाँ पे टेलीस्कोप भी है जो पूरे यहाँ से दिखाते एकदम 50 में 4 पॉइंट्स, 1, 2, 3 और 4 जो मैंने आपको बताया। देखिए तो कैसे अभी हम लोग आए बतासिया लूप, और मैं आपको दिखाता हूँ। और उधर आई लव दार्जिलिंग का है, उधर जाके फोटोज वगैरह क्लिक करते हैं बस, है ना। पर यहाँ के लोकल ड्रेस में फोटोज है ना, ना 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 है ले। तो चलिए उधर नीचे चलते हैं आई लव दार्जिलिंग के पास में। और गाइस वेदर बहुत ही प्लेजेंट एकदम, बहुत ही अच्छा लग रहा है वेदर। अभी ठंडा ठंडा है और धूप है, पर गर्मी नहीं लग रही है, क्योंकि नवंबर का मौसम है, मतलब कॉमन बात है कि भाई गर्मी तो होगी नहीं। अच्छी धूप है, अच्छी धूप है एकदम, चुभ नहीं रही है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है अभी। वैसे तो यहाँ पे आई लव दार्जिलिंग का बर्फ, अभी यहाँ पे बहुत लोग हैं फोटोज़ के लिए, तो कोई बात नहीं, अभी फ़ोटोज़ नहीं लेंगे। और यहाँ पे आती है जो टॉय ट्रेन है, यहाँ पे स्टॉप भी लेती है बतासिया लूप पे, लगती है एकदम रियल ट्रेन है, पटरी वटरी। हाँ, तो उधर रियल ही है, नाम टॉय है, खाली वो 2 बोगी है। और यहाँ पे लोकल ड्रेस में लोग फोटो वगैरह खिंचवा रहे हैं। इस बतासिया लूप पे यहाँ पे रोल ऑफ ऑनर दिया हुआ है सीरियल, हाँ, 1 से लेके और पूरा यहाँ पे 80 तक है दिया हुआ है, सीरियल नंबर, सर्विस नंबर, रैंक, नेम, और क्या ऑपरेशन था, मार्टिरडम, सब डेट वगैरह यहाँ पे है। यहाँ पे अंदर तो ऊपर नहीं जा सकते, पर मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, क्योंकि ये बतासिया लूप। तो यहाँ पे 81 से चालू होता है और लास्ट है 158 तक, मतलब टोटल 158 नेम्स यहाँ पे है रोल ऑफ ऑनर पे। और देखिए बतासिया लूप। तो गाइस बतासिया लूप एंटर करने का खाली 20 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज है। और अच्छा गार्डन, और जिनको लोकल ड्रेस में फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाना है वो करवा सकते हैं। और यहाँ से भी व्यू दिखता है माउंट कंचनजंगा का। तो चलिए बाहर जाके थोड़ा मोमोज वगैरह खाते हैं। वो अंदर में कम से कम 158 लोगों का नाम था। हाँ, वो सब तो वो सब यही का था, शहीद आदमी नहीं, मतलब पहाड़ का लोग था, इंडो चाइना वॉर में वो शहीद हो गया। हाँ, इंडो चाइना, इंडो पाकिस्तान, इंडो पाकिस्तान, इंडो चाइना।
इसलिए उसका नाम ऐसे बता सिया ऊपर वो ऊपर वो बनाया हुआ स्टैचू वॉर मेमोरियल। सुखराज अभी हम लोग हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में आए हैं, भैया वहाँ पे टिकट ले रहे हैं, तो फिर अभी हम लोग जाएंगे जू में और देखते हैं। सुबह इसमें जू के साथ साथ ये एच एम आई का मतलब क्या है भैया? हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट। हाँ, और ये बंगाल नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम भी है, टिकट ओनली 60 रुपीज़ है, तो आप आ सकते हैं। तो चलिए अंदर जाते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। सुबह जैसे ये मेन गेट है, टिकट चेक वेक होके हम लोग अंदर आते हैं और यहाँ पे मैप है पूरा, आप देख सकते हैं। एक चार्ट देखिए, रेड पांडा का देखिए, मिल्क, बैम्बू लीव्स, हनी, वाइल्ड फ्रूट्स, सीजनल फ्रूट्स, एप्पल, बनाना और एग, मिल्क, डाइट चार्ट ऑफ रेड पांडा। तो ये है मिशमी टकिन और इसके पीछे एक और है देखिए। तो वैसे अभी हम लोग एंटर कर रहे हैं बंगाल नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, अंदर जाके दिखाता हूँ क्या है। म्यूजियम में जो है फोटोग्राफी और वीडियोस लेना अलाउड नहीं था, तो बहुत ही अच्छा था। अंदर से जो रियल एनिमल्स थे, मतलब जो स्नो लेपर्ड, टाइगर, बहुत बफेलो वगैरह, उनके जो फर होते हैं ओरिजिनल फर वगैरह एकदम ऐसे अंदर मिरर के अंदर थे, और फेस हो सकता है आर्टिफिशियल, बाकी जो फर वगैरह थे एकदम ओरिजिनल थे, और स्कल भी कुछ कुछ का तो रियल था, बहुत मतलब एकदम अच्छा लग रहा था। पर क्या करें, वो सब सीसीटीवी मतलब लिखा हुआ था कि फ़ोटो वो सब लेना अलाउड नहीं है, तो इसलिए भी एग्जिट करते हैं। तो गाइस अभी हम लोग आए हैप्पी वैली टी स्टेट और देखिए यहाँ से नज़ारा कितना शानदार है। और देखिए अभी क्लियर, तो अभी ऐसे ऊपर से व्यू आता तो बहुत अच्छा होता अगर ड्रोन वगैरह होता तो, बाकी देखिए बहुत ही शानदार। मैं और नीचे जाके ट्राई करता हूँ, आपको दिखाओ और फिर बाहर जाके टी को टेस्ट करेंगे। सो गाइस अभी हम लोग फ्रैंक रोज कैफ़े में आए हैं, वही हम लोग कितनी बार आ गए इस कैफे में? 2-3 बार। खाना अच्छा है तो आ ही गए आखिर में, वर्थ इट है। और अभी हम लोगों ने ऑर्डर किया है कौन सी, दार्जिलिंग टी विथ मिल्क। अच्छा, कॉफ़ी तो हम लोग हमेशा पीते हैं, दार्जिलिंग आए तो चाय पीते हैं। हेलो गाइस, तो अभी हम लोग जस्ट रूम में आए और साउथ इंडियन जो खाना था वो हमने खा लिया दबा के, और अभी बस मतलब इतना ही भूख था और चाय वगैरह पी थी। हम लोग रूम में आ गए, अभी पैकिंग वगैरह कर रहा है क्योंकि प्लान में थोड़ा चेंज है, और क्या चेंज है वो मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली हम लोग 8 तारीख को यहाँ पे चेक इन किए थे और हमारा प्लान था कि हम लोग 11 को निकलेंगे, पर अभी आज सब घूम लिया एक साथ, मतलब सब पॉइंट्स 8-10 पॉइंट्स कंप्लीट हो गए, ड्राइवर ने कहा अच्छे घुमा लिया, मैंने आपको दिखाया। तो अभी हम लोग कल ही चेकआउट कर रहे हैं, तो सामान निकल रहे हैं, मतलब अभी पैक वगैरह कर रहे हैं, और सुबह हम लोग निकल जाएंगे सिलीगुड़ी के लिए, और वहाँ पे 2 नाइट्स वहाँ अच्छे से घूमेंगे। तो बस यही था कुछ।